देवाधिदेव श्री आदिनाथ भगवान से लेकर वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी पर्यंत 24 तीर्थंकर भगवानों को हमारा बारंबार नमन स्वीकार हो। हम नमोस्तु करते हैं संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण देश में विराजमान सभी जैन संतों को, जिनके मंगल आशीर्वाद की वृष्टि आज विश्व जैन संगठन पर सराबोर हो रही है, जिससे विश्व जैन संगठन निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। आज का वार्षिक अधिवेशन प्रारंभ होगा चित्र अनावरण के साथ, और चित्र अनावरण करने के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं श्री विजय पाल जी, पूर्व अध्यक्ष भोलानाथ नगर जैन मंदिर। सहयोग करने के लिए श्री यश जैन भी आ जाएं, श्री नवीन जी आ जाएं सहयोग करने के लिए। यदि चैतन्य मुकुरेव भावाश्चदितः समं भान्ति द्रव्य जनिल संतो। बोलो नमोकार महामंत्र की जय। नमो अरिहंताणम, नमो सीताणम, नमो आयरियानम, नमो वजायाणम, नमो लोए सवे साहूनम। बोलो नमो अरिहंताणम, नमो सीताणम, नमो बनेंगे महावीर बनके चले आना, प्रभु जी चले आना, तुम सुमति रूप में आना, तुम पद में रूप में आना, सुपारसनाथ बनके चंदा प्रभु बनके चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी वीर बनेंगे महावीर बनेंगे चले आना, प्रभु जी चले आना, तुम प्रभु जी चले आना। बोले महावीर भगवान की, बोले चौबीसों भगवान की जय। बहुत ही शानदार प्रस्तुति विश्व जैन संगठन की महिलाओं के द्वारा, एक बार जोरदार तालियां। हम मंच पर अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं विश्व जैन संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री संजय जी जैन को, जिनके अथक प्रयासों से पिछले 17 वर्षों में विश्व जैन संगठन आज इन ऊंचाइयों पर पहुंच गया है कि विश्व जैन संगठन के द्वारा अनेकानेक कार्य घरों का संरक्षण हो, या चाहे वह कार्य किसी भी सामाजिक मुद्दे पर, चाहे वह लखनऊ में मूर्ति तोड़ने की घटना हो, चाहे वह संथारा का मुद्दा हो, चाहे वह आमरण अनशन हो, जब उन्होंने आमरण अनशन किया था जंतर मंतर पर जैन समाज को अल्पसंख्यक हक दिलवाने के लिए, चाहे वह गिरनार जी में मुनि श्री प्रबल सागर जी महाराज पर आक्रमण किया गया हो, हमेशा विश्व जैन संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री संजय जी जैन सब जगह पर निडरता पूर्वक उन्होंने सारी परिस्थितियों का सामना किया है, और पूरी टीम के साथ मिलकर उन सामाजिक मुद्दों को, उन जैसे भी हम मुद्दे उनको कहना चाहें, उन सभी मुद्दों को सुलझाया है। श्री संजय जी जैन हमारे बीच में उपस्थित है, एक बार जोरदार तालियां विश्व जैन संगठन के ऐसे सक्रिय कर्मठ कार्यकर्ता के लिए। देखिए, निगाहों में मंजिल थी, संभल संभल कर चलते रहे, निगाहों में मंजिल थी, संभल संभल कर चलते रहे, हवाओं ने बहुत कोशिश की,
निगाहों में मंजिल थी, संभल संभल कर चलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश की पर चिराग आंधियों में भी जलते रहे। और अगर आज हम ये कहें कि संजय जी जैन ऐसे चिराग हैं जिन्होंने आंधियों में भी स्वयं की ज्योति को बरकरार रखा है, तो शायद यह कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। एक बार जोरदार तालियां विश्व जैन संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री संजय जैन के। हमारे बीच उपस्थित हैं पूर्व विधायक रोहतास नगर श्री जितेंद्र महाजन, और उनका सम्मान करने के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं श्री नवीन जैन कागजी और श्री अचल जैन बलवीर नगर। जितेंद्र जी का सम्मान कर रहे हैं श्री नवीन जी जैन कागजी और अचल जैन बलवीर नगर। एक बार जोरदार तालियां हमारे अतिथि के सम्मान में। संगठन की ओर से एक हेल्थ चेकअप कैंप लगाया गया, कैंसर का प्रति लोगों को जागरूक करने का कैंप लगाया गया, तो निश्चित रूप से ये सराहनीय कार्य है। और इसका मुझे लगता है कि इस क्षेत्र के हजारों लोगों ने इसका आनंद उठाया होगा। और ये भी बात सत्य, अब हम यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं विश्व जैन संगठन द्वारा किए गए कार्यों के बारे में बताने के लिए, विस्तार से परिचय देने के लिए विश्व जैन संगठन के महामंत्री श्री अमित जैन को। वैसे तो परिचय के मोहताज नहीं है, विश्व जैन संगठन अपने आप में एक बहुत बड़ी संस्था ऐसी बन चुकी है। पिछले कई वर्षों में उल्लेखनीय कार्य किए हैं, और संजय जी ने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अभी नीरू जी बता रही थी आपको कि लखनऊ की मूर्ति का हो या कोई भी कार्य हो, संथारा का हो या पर्वत सागर महाराज जी का हो, उनके ऊपर उन्होंने काफी अधिक कार्य यहाँ पर किए हैं। मैं फिर भी आपको परिचय सामाजिक व धार्मिक संगठन से करा रहा हूँ। यह समिति पंजीकरण अधिनियम एवं आयकर विभाग के अंतर्गत वर्ष 2005 से पंजीकृत है। विश्व जैन संगठन ने सन 2001 से समय समय पर निशुल्क चिकित्सा शिविर, मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर, स्वास्थ्य मेले, विवाह हेतु परिचय सम्मेलन, शाकाहार के प्रचार प्रसार हेतु शाकाहार रैली व शाकाहार सम्मेलन, शिक्षा प्रद व सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रतियोगिताएं, धार्मिक यात्राएं, रात्रि विवाह व दहेज प्रथा के विरोध में नुक्कड़ नाटक व सामग्री का प्रकाशन, जैन धर्म के मूल सिद्धांत अहिंसा व शाकाहार के प्रचार हेतु पुस्तक मेलों में भाग लेकर निःशुल्क साहित्य वितरण आदि का आयोजन किया है। साथ ही संगठन द्वारा किए गए अन्य प्रमुख कार्यों में दिल्ली पुलिस द्वारा अंतर्राष्ट्रीय गिरोह से प्राप्त भगवान महावीर की लगभग 700 वर्ष प्राचीन अष्ट धातु की निर्मित बहुमूल्य 3 प्रतिमाएं, जो कि दिल्ली न्यायालय से अपनी सुपुर्दगी में लेकर, मैं बताऊं आपको किसी भी, क्योंकि मैं खुद एडवोकेट हूं और प्रोफेशन से जुड़ा हुआ हूं, अगर हम किसी से कोर्ट से कोई आर्टिकल रिलीज कराते हैं तो उसकी सुपरदारी देनी पड़ती है। सुपरदारी का मतलब ये होता है कि इन केस ऑफ एनी डेफिशिएंसी या इन केस ऑफ एनी लॉस अगर कोई होता है तो जो सुपरदार है उसको इसकी सुपरदारी की पूरी कीमत अदा करनी पड़ती है। तो संजय जी ने उस गिरोह के जो प्राप्त थाने में बंद थी प्रतिमाएं, उनको वहां से रिलीज कराकर कैलाश नगर गली नंबर 12 के अंदर वह प्रतिमाएं स्थापित की हुई हैं, जो कि इन्होंने अपनी संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय जैन जी ने लगभग 10 करोड़ रुपए का, वो वहां पर 10 करोड़ का है, 10 करोड़ रुपए का बोन्ड दिया हुआ है, मतलब 10 करोड़ की सुपुर्दगी ली हुई है। हालांकि ऐसा कभी नहीं होगा, प्रभु नहीं चाहेंगे, लेकिन अगर भगवान ने कैसे कुछ होता है तो कानून के मुताबिक तो 10 करोड़ के हकदार जो है वो देने को सरकार के लिए है। कितनी बड़ी बात है, एक बार जोरदार तालीम के लिए बजा दीजिए कि सुपुर्दारी पर लेकर उसको रिलीज कराइए। साथ ही कैलाश नगर स्थापित करा दी, जैन धर्म को राष्ट्रीय स्तर पर हमारे को अल्पसंख्यक के रूप में घोषित कराने के अंदर संजय जी का बहुत बड़ा हाथ है। इन्होंने उसके लिए आमरण अनशन तक किया और आमरण अनशन जंतर मंतर पर किया, 5 दिन तक 6 दिन तक वहां पे रहे, और उसके बाद सरकार को झुकना पड़ा। विपिन जी वहां पे सब पता ही है, पारस चैनल ने उस कार्यक्रम को लाइव भी किया था साथ में। और वहां पर जब बाद में जैन समाज जैन धर्म को शिक्षा के स्तर पर धार्मिक स्तर पर अल्पसंख्यक घोषित किया, तो मंत्री जी ने, जो कानून मंत्री थे, उन्होंने अपने भाषण में ये कहा, स्पेशल कहा कि इवन जो संगठन जैन समाज के, उन्होंने दे वेंट ऑन हंगर स्ट्राइक,
मतलब ये बात सरकार के पास भी थी कि सरकार ने भी कहा कि अगर हम इसको अल्पसंख्यक घोषित नहीं करेंगे तो उन्होंने आमरण अनशन किया हुआ है, और वह आमरण अनशन सिर्फ संजय जी ने विश्व जन संगठन के अध्यक्ष ने जंतर मंतर पर किया था, आप सबको उसके बारे में मालूम है। उसके अलावा स्कूलों व जेलों में जैन संतों के प्रवचन, परिषद के दौरान विभिन्न प्रदेशों में बुचड़ खाने होते हैं, 10 लक्षण धर्म में परिषद में बुचड़ खानों को बंद कराने के लिए भी संस्था द्वारा अनेक राज्यों में केंद्र को पत्र लिखे जाते हैं और बाद में बुचड़ खानों के लिए वहां पर बंद कराने के आदेश जारी होते हैं, ये प्रमुख कार्य। बहुत बहुत धन्यवाद एडवोकेट श्री अमित जी जैन का। देखिए उन्होंने बहुत अच्छी बातें हमारे साथ यहाँ पर शेयर की। कहते हैं अपनों के अपने लिए या अपने परिवार के लिए तो हर एक कोई कार्य करता है, लेकिन समाज के लिए, समाज को उसका हक दिलवाने के लिए बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो तन मन धन से समर्पित होते हैं। वो पथ क्या पथिक परीक्षा क्या जब धाराएं प्रतिकूल ना हो, वो पथ क्या पथिक परीक्षा क्या जब धाराएं प्रतिकूल ना हो, और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, वो पथ क्या पथिक परीक्षा क्या जिस पथ पर बिखरे शूल ना हो, वो पथ क्या पथिक परीक्षा क्या जिस पथ पर बिखरे शूल ना हो, और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। बहती धाराओं के साथ तो हर एक कोई बह जाता है, उसी रंग में रंग जाता है, लेकिन जब धाराएं विपरीत दिशा में बह रही हैं तो उसको उसमें सही सामंजस्य बिठाकर उस कार्य को भली प्रकार से करना ऐसा कुछ ही लोग कर पाते हैं, और यह काम विश्व जैन संगठन के अध्यक्ष श्री संजय जैन के सानिध्य में, संजय जैन के नेतृत्व में भली भांति हो रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कार्यक्रम को गति प्रदान करते हैं, और अब हम यहाँ पर देखिए विश्व जैन संगठन के बैच का विमोचन आपके बीच में होने जा रहा है। विश्व जैन संगठन के बैच बनवाए गए हैं और बैच का विमोचन करने के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं श्री सुभाष जी जैन घी वाले, श्री अचल जैन बलवीर नगर, श्री प्रवीण जैन बलवीर नगर और श्री संजय जैन अध्यक्ष विश्व जैन संगठन। बैच का विमोचन करने के लिए सभी महा देखिए विश्व जैन संगठन की तरफ से सभी सदस्यों को यह बैच डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, सभी सदस्यों को यह बैच प्राप्त होंगे। कहा है किसी कवि ने कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर लम्हा जिंदगी का इम्तिहान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर लम्हा जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता जहां में, डरने वालों को कुछ नहीं मिलता जहां में, और लड़ने वालों के कदमों में आसमान होता है, लड़ने वालों के कदमों में आसमान होता है। और आज इस बात को हम यहां पर प्रत्यक्ष रूप से प्रमाणित होते हुए देख रहे हैं कि सफलता, संघर्ष सदैव रंग लेकर आता है, संघर्ष जब भी किया जाता है हमेशा सफलता के पुष्प उसमें खिलते हैं। विश्व जैन संगठन द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं। आज हमारे बीच में, आज के वार्षिक अधिवेशन में हमारे सम्मानित अतिथिगण विराजमान हैं। विश्व जैन संगठन के द्वारा कृत कार्यों की समीक्षा करने हेतु हम सर्वप्रथम आमंत्रित कर रहे हैं डॉक्टर अनेकांत जैन, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय विद्यापीठ के अध्यक्ष। डॉक्टर अनेकांत, तो मन में ऐसा दुख होता था कि बताओ इतनी बड़ी जैन समाज है दिल्ली में और कितने कितने करोड़ों के कार्यक्रम हो जाते हैं, लेकिन दूसरे भी हमारे धर्म दर्शन को समझें ऐसी कोई भी गतिविधि हम लोग नहीं चलाते। हम अपने गाल बजाने के आदि हैं, एक दूसरे की प्रशंसा, एक दूसरे को माला पहना के खुश हो लेते हैं, ये हमारी आदत है, अपने घर में काम कर लेते हैं। लेकिन दूसरे लोग भी हमारे जैन धर्म दर्शन को समझें इसके लिए हम पुरुषार्थ नहीं करते। लेकिन जब मुझे सूचना मिली कि विश्व जैन संगठन ने यह पीड़ा उठाया है और उन्होंने अलग से एक जैन साहित्य का स्टॉल लिया, और सिर्फ स्टॉल ही नहीं लिया,
चाहे तो स्टॉल पर किसी नौकर को भी खड़ा कर सकते कि भैया तू ही आए तो साहित्य दे। लेकिन ऐसा जज्बा होना कि खुद दिन भर वहां खड़े रहकर सारे संगठन के पदाधिकारी लोग वहां खड़े रहकर बुला बुला के लोगों को जैन साहित्य बांट रहे हैं और दे रहे हैं, मैं मानता हूं ये इतिहास की सबसे बड़ी घटना थी। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम लोग काम नहीं करते इसलिए ये भी बहुत बड़ी बात दिखाई दे। ये काम तो सदियों पहले हो जाना चाहिए था जब पुस्तक मेला होना शुरू हुआ था, लेकिन आज तक किसी ने इस विषय पर ध्यान नहीं दिया। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरे पास फोन आते हैं, कहीं बलिया से फोन आता है, कहीं गोरखपुर से, कहीं बिहार से, भैया आपकी एक किताब हमने देखी, उसमें एक नंबर देखा, शायद ये आपका ही है और मैं कुछ विषय समझना चाहता हूं, जैन दर्शन की ये बात मेरे समझ में नहीं आ रही है, आप इसके लेखक हैं, हो सकता है आप बता दें, इसलिए फोन किया। तो मैंने पूछा भैया तुमको ये किताब मिली कहां से? हम विश्व पुस्तक मेले में गए थे तो एक सज्जन ने बड़े प्रेम से मुझे ये किताब दी थी और मुझे जैन दर्शन पढ़ने की रुचि हो गई। मैंने कहा यदि एक व्यक्ति को भी एक पुस्तक मेला जो 10-12 दिन का होता है, उस पूरे पुस्तक मेले में एक अजैन व्यक्ति को भी आपने प्रभावित कर लिया तो आपका पुस्तक मेले में स्टॉल लगाना सफल होगा। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं विश्व जैन संगठन को कि उसने इस कमी की पूर्ति भी की। अगर संलेखना का प्रकरण आता है, यदि आत्महत्या बतलाई जाती है, तो उसका विरोध करने की भी जिम्मेदारी जैन विश्व संगठन ने दिल्ली जैसी राजधानी में की। दूसरी बात, अल्पसंख्यक के मुद्दे पर भी काम किया। मुझे नहीं लगता कि जैन समाज के इतने नेताएं आज तक किसी ने आमरण अनशन किया हो। नेतागिरी करने को सारे खड़े हैं, मंच पर माला पहनने को सब खड़े हो जाते हैं, लेकिन जमीन पर खड़े होकर काम करने को कोई भी तैयार नहीं है। बंधुओं, सब चाहते हैं दूसरा बलिदान दे, ना मैं दू ना मेरा बच्चा दे। सरहद पे जाना है तो दूसरे का बच्चा जाए, मेरा बच्चा ना जाए, ये हमारी भावना है। लेकिन खुद आगे कदम बढ़ा करके ये जो काम जैन विश्व संगठन ने किया है, मैं इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं और मैं चाहता हूं कि ये संगठन सिर्फ दिल्ली तक सीमित ना रहे, इस संगठन की पूरे देश में इकाइयां बने, जैसा कि शायद बन भी रही हैं, देश में इकाइयां बने। और जो एक अलग तरीके से आपने मुहिम चलाई है, मैं यहां सिर्फ इसलिए ही आया हूं, मैं समाज के ज्यादा कार्यक्रमों में भी जाता नहीं हूं, सिर्फ इसलिए कि सिर्फ सारे कार्यक्रम टाइम किलिंग होते हैं, समय खराब करने के अलावा कोई काम नहीं करते हैं। लेकिन मैंने कहा जो काम कर रहा है उसकी फीट ठोकने तो जाऊंगा ही जाऊंगा। इसलिए मैं एक वाक्य और कहना चाहता हूं कि आज के युवाओं को भी ये संदेश जाता है कि यदि हम जैन समाज का, जैन धर्म दर्शन का संरक्षण नहीं करेंगे तो कोई दूसरा हमारा संरक्षण करने के लिए नहीं आएगा। तो हमें खुद तैयार होना पड़ेगा, अपने परिवार को तैयार करना पड़ेगा। और देखिए, सरकार तो डर से चलती है, वो जिससे डरती है उसका काम करती है, और जो पुचकारता है उसको नहीं पूछती है। आप कितने ही मंत्रियों को आके माला पहना दो, यहां अपनी गद्दी पे जाके वापस वैसे ही हो जाते हैं, हमारी बात सुनते नहीं है। लेकिन जब तक वो जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे ना सुने, तब तक उनको कान में से जू नहीं रहेंगे। तो ऐसा संगठन भी होना चाहिए जो राजनीतिक आधार पर हमारे अधिकारों को, हमारी मांगों की पूर्ति करे, हमारा संरक्षण करे। अभी श्रवण बेलगोला में भी जैन विश्व संगठन ने साहित्य का एक केंद्र लगाया और वहां देश विदेश से जितने भी श्रद्धालु आए, उन सब में जैन साहित्य को वितरित किया, उसकी भी मैंने बहुत प्रशंसा सुनी है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहकर अपनी शुभकामनाएं आप सभी को प्रेषित करता हूं और मैं ये चाहता हूं कि आप इसी तरह और भी नए नए कार्यक्रम, हमारे ऐसे कार्यक्रम जो दूसरे नहीं कर रहे हैं, दूसरे संगठन जिस पर ध्यान नहीं देते हैं, उन संगठन, उन कार्यक्रमों को आप अपने हाथ में लें और आगे बढ़ते रहें, यही मेरी शुभकामना है। जय जिनेंद्र, धन्यवाद।
सभी को जय जिनेन्द्र। आदरणीय पंच विश्व स्वयंसेवक संगठन के अध्यक्ष और उपस्थित मातृशक्ति भाइयों और बहनों, वैसे तो मेरे से पूर्व सभी वक्ताओं ने विश्व जैन संगठन के बारे में और संजय जी के बारे में कार्यों के बारे में बता दिया है, लेकिन आज जो ये प्रोग्राम हो रहा है और मॉर्निंग में जो स्वास्थ्य कैंप लगाया है, उसके अलावा विश्व जैन संगठन बधाई का पात्र है, क्योंकि उन्होंने ये सोचा है कि हम समाज के लिए इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, जैसे कि आमन अनशन करना, संलेखना पर कार्य करना, कैंप लगाना, उसके अलावा प्रतिमाओं को संरक्षित करवाना, उनको छुड़वाना, और उसके अलावा जैसे अभी बावली मस्तमास्तक में भी विश्व पुस्तक मेला लगवाया वहाँ पर। उसके अलावा संजय जी ने सोचा है दूरदृष्टि से कि ये संगठन इतने कार्य कर रहा है तो क्यों ना हम पूरे इंडिया में इसको मतलब अपनी शाखाओं को खुलवा के संगठन को आगे बढ़ाए। पूर्ण रूप से आपको जो सहयोग चाहिए हम पूर्ण रूप से इसके लिए समर्पित हैं, हर तरीके से समर्पित हैं। वास्तव में जो आप समाज के कार्य कर रहे हैं उसके लिए हमारा पूरा समाज आपके साथ खड़ा हुआ है, और आपको इस कार्य के लिए जो कर रहे हैं वास्तव में बहुत ही सराहनीय कार्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुझे बहुत वेदना होती है, वो मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। हमारे समाज में जो प्रदर्शन है और एक फिजूल खर्ची, वो इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि हम एक गरीब सड़क पे है उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, लेकिन प्रदर्शन है तो वहाँ पे करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं। ये मेरे अंदर की वेदना का विषय है, जिसको मैं आज संगठन के माध्यम से और श्री संजय जी से कहना चाहूंगी कि इस विषय में हमारा समाज कुछ कार्य करे, कि हम फिजूल खर्ची किसको दिखाना है, क्या करना है। और सब लोग मजाक बनाते हैं कि हाँ जेएनयू के पास तो इतना पैसा है, फिजूल खर्ची इतना करते हैं, तो हम अपने पैसे का सदुपयोग करें, उसको समाज के कार्यों में लगाएं, और सभी अच्छे अच्छे सुझाव अपने दें। आगे जब अधिवेशन हो तो मेरा ये आप सभी से प्रार्थना, और संजय जी के कार्यों से मैं बहुत खुश हूँ, बहुत प्रभावित हूँ, और आगे कोई भी कार्य होगा मैं हमेशा हमारा साथ रहेगा हमारे महिला मंडल का। लेकिन संजय जी इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है, उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। नारियल होता है ऊपर से कठोर होता है, अंदर से बड़ा अमृत होता है। संजय जी भी हमारे बिल्कुल नारियल की भांति हैं, इनसे पहला परिचय कोई लेगा तो बड़ा कठोर नजर आएंगे, बड़े बड़े टाइट हैं, बड़े रूखे हैं, ये हैं वो हैं, लेकिन जब इनके साथ जुड़ते चले जाओ तो पता लगता है ये तो नारियल की तरह बड़े मीठे हैं, और जैन धर्म के लिए बहुत ही उपकारी हैं। भविष्य के लिए जो ये रचना कर रहे हैं तो मतलब ये एक उदाहरण बनता जा रहा है। मेरे से पूर्व वक्ता सब कुछ बता चुके हैं, अल्पसंख्यक का मुद्दा हो, मुनि प्रबल सागर जी पर गिरनार जी में जो चाकू लगा उसका मुद्दा। श्री कमल जी हमारे बीच में आ रहे हैं समीक्षा के लिए। विश्व जैन संगठन के अध्यक्ष भाई संजय जी, मंचस्थ सभी अतिथिगण, उपस्थित महानुभाव और बहनों, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। मैं आभार व्यक्त करता हूं भाई संजय जी और पूरे विश्व संगठन का कि उन्होंने मुझे आज अपने विश्व जैन संगठन के कार्यों का मूल्यांकन करने अर्थात समीक्षा के लिए यहां आमंत्रित किया। बंधुओं, अपने जैन समाज की आज जो समाज के अंदर पहचान बनी हुई है वो ये है कि जैन लोग बड़े शांत प्रिय हैं, बड़े सज्जन और केवल भगवान को मानने वाले होते हैं और धर्म की पूजा करते हैं, भगवान की पूजा करने वाले हैं। लेकिन यह सत्यता भी है, हम भगवान महावीर को तो मानते हैं, अपने तीर्थंकरों को तो मानते हैं, लेकिन उनकी नहीं मानते। समाज यदि कमजोर होता है तो शासन व्यवस्था आपकी बात नहीं मानती। मैं इस तर्क से भाई अनेकांत जी से सहमत हूं, और इस दृष्टि से हमारा समाज बहुत कमजोर है। समाज के अधिकांश संगठन केवल तीर्थंकरों की जयंती मनाने, उनकी मोक्ष की जयंती, मोक्ष कल्याणक मनाने के लिए तो इकट्ठा होते हैं, लेकिन समाज को एकत्रित करके उसको संगठन का रूप देना, समाज की आवश्यकताओं को शासन तक पहुंचाना और समाज के व्यक्ति की जरूरत को पूरा करना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। और शायद इसी को कहा गया है कि समाज में लीड से हटके काम करना, और जो व्यक्ति लीक से हटके काम करते हैं समाज भले ही उनको
अपशब्द कहे, उनको दुत्कारे, लेकिन एक दिन उनको मानता है कि समाज अगर जो बचता है तो ऐसे लोगों के कारण बचता है। भाई संजय जी के नेतृत्व में जो पहला बड़ा काम हुआ वो मूर्तियों को लाने का, वो कोई आसान काम नहीं है। मुझे नहीं लगता इस देश के इतिहास के अंदर जिस प्रकार से अनैतिक लोग धार्मिक हमारी प्रतिमाओं को चुरा करके ले जाते हैं, वापस उनको यथा स्थान पहुंचाना, इस प्रकार का कोई काम किसी दूसरे व्यक्ति ने किया हो मुझे ऐसा लगता नहीं। यह अपने आप में बहुत बड़ा काम है, इसके लिए विश्व जैन संगठन साधुवाद का पात्र है। समाज में चिकित्सा के कैंप लगा करके अपने समाज के पिछली पंक्ति के लोगों को चिकित्सा उपलब्ध कराना, उनके रोगों का निदान कराना, वास्तव में जो हमारी जैन परंपरा है उसके अनुकूल कार्य है। इस प्रकार के कार्य आसान नहीं है, सहज नहीं है, विश्व जैन संगठन करता है। साहित्य के क्षेत्र में भी विश्व जैन संगठन ने अनेकों आयामों को छुआ है, अनेक देश के विभिन्न भागों में जाकर के और इस प्रकार के काम करना। बहुत बहुत धन्यवाद श्री कमल जी का, उनके इतने एनर्जेटिक, इतने उत्साह भरे या उनके इतने ऊर्जात्मक उद्बोधन से शायद हम सभी की आंखें खुल गई कि हमें निश्चित ही रूप से इस दिशा में आगे बढ़ना है। ना पूछो कि हमारी मंजिल कहाँ है, हमने तो बस चलने का इरादा किया है। ये भावना विश्व जैन संगठन के शायद प्रत्येक सदस्य के मन में होगी। ना पूछो कि हमारी मंजिल कहाँ है, हमने तो चलने का इरादा किया है। ना हारेंगे कहीं ना रुकेंगे कहीं, ना हारेंगे कहीं ना रुकेंगे कहीं, किसी और से नहीं, हमने खुद से ये वादा किया है, हमने खुद से ये वादा किया है। और समीक्षा के लिए हमारे आज के अंतिम वक्ता के तौर पर हम आमंत्रित कर रहे हैं श्री विपिन जैन प्रिय, राष्ट्रीय अध्यक्ष जैन लाइफ। तो सभी ने कुछ कह दिया है, इतना कुछ कह दिया है कि मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए। लेकिन एक बात, मैं संजय जी से 2010 से करीब जुड़ा हूँ, वैसे तो परिचित पहले से हूँ, लेकिन विश्व जैन संगठन के हर कार्यक्रम में मेरे इनका साथ होता है। लगभग 2010 के बाद इनका नाम संजय है। एक संजय वो थे जो सारी महाभारत को रूबरू करते थे धृतराष्ट्र के सामने। एक संजय ये हैं, वही वो संजय थे, वही ये संजय हैं जो पूरी महाभारत को वो रूबरू करते थे धृतराष्ट्र के सामने। ये जैन समाज के संजय हैं जो पूरा क्लीन चिट इनकी आंखों के सामने होता है। लेकिन एक गुण इनके अंदर फालतू है, एक क्या मैं हजार गुण कहूंगा कि वो तो सिर्फ धृतराष्ट्र के कहने पे सिर्फ व्याख्या करते थे कि महाभारत में क्या हो रहा है। लेकिन ये वो संजय हैं कि ये कहते नहीं सिर्फ क्या हो रहा है, इनसे पूछ सकते हो लेकिन उस कार्य को कैसे करना है, ये अड़ जाते हैं वहां पे। एक शब्द अगर किसी ने जैन समाज में कहा कि मैं मर जाऊंगा लेकिन जैन समाज की आन बान शान को आंच नहीं आने दूंगा, वो सिर्फ एकमात्र है संजय जैन। ये शब्द कब कहे थे मुझे आज भी ध्यान है, सर ईयर ध्यान नहीं है, 2010 या 11 की बात है। दिल्ली पब्लिकेशन सीपी के अंदर, सर हाँ वहीं आ रहा हूं मैं। दिल्ली पब्लिकेशन बहुत बड़ा साहित्यिक एक पब्लिकेशन है, कंपनी है। सरिता एक बहुत छोटा सा किताब है लेकिन बहुत फेमस है, बहुत प्राचीन है। प्राचीन इसलिए कहूंगा कि बहुत पुराना है। उसमें जैन समाज के बारे में उल्टा सीधा उसमें छपा, जैन संतों के बारे में छपा। किसी भी संस्था को इतने बड़े, इससे पूरे इंडिया में सरिता जाती है, विदेश में सरिता जाती है, किसी ने पढ़कर कोई भी कमेंट्स नहीं करे। एक विश्व जैन संगठन ऐसी संस्था थी और संजय जैन थे जिन्होंने उठाया अपना ताम तमीरा इसलिए कहूंगा कि सीधे अपना एक टेम्पो लिया, लाउड स्पीकर लगाया और सीधा पब्लिकेशन हाउस के बाहर, इतना बड़ा पब्लिकेशन, बहुत बड़ी बिल्डिंग है दिल्ली में सीपी में, सीधा हाय हाय और किनारे लगे कि जैन समाज के बारे में क्यों छापा जिसकी तुम्हें नॉलेज ही नहीं है। ऐसे कार्य क्या हिंदुस्तान में कोई संस्था ने किए, ऐसे कार्य क्या हिंदुस्तान के किसी संस्था के अध्यक्ष ने किए। बिल्कुल मैं कमल जी की बात से सहमत हूं कि विधान और ये सब चीजों, बहुत चीजें चलती रहती हैं, लेकिन ऐसा काम सिर्फ और कर रही है वो विश्व जैन संगठन। आज विश्व जैन संगठन को बढ़ाने की जरूरत है। मैं सभी से गुजारिश करूंगा कि इसको देश विदेश जहां भी हो
सभी सदस्य के जूथ में जुड़े, इनके साथ ये संजय हर हर युवा में एक बहुत ही अच्छी व्याख्या की उन्होंने महाभारत काल से लेकर आज तक कलयुग के संजय के साथ में। देखिए शायद कभी हमारा ध्यान भी नहीं जाता, हमारे लिए तो नाम सिर्फ एक नाम होता है और कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनका हमें अर्थ पता होता है, कुछ नामों का हमें अर्थ भी नहीं पता होता। लेकिन आज संजय शब्द की जो इतनी सुंदर व्याख्या, संजय शब्द का जो महत्व, संजय शब्द का जो प्राचीन काली महत्व है, वो उन्होंने विपिन जी ने आज हमारे सामने रखा। निश्चित रूप से हम विपिन जी को धन्यवाद देते हैं, विपिन जी इस बात के लिए बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने महाभारत काल के संजय की तुलना आज हमारे जैन समाज के श्री संजय जैन जी के साथ की है। बहुत ही सुंदर उनकी समीक्षा यहाँ पर रही। चलिए, कहते हैं कि मैं तो अकेला ही चला था, मैं तो अकेला ही चला था, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। और ऐसा ही हुआ है विश्व जैन संगठन के साथ। आज विश्व जैन संगठन की अनेकों शाखाएं दिल्ली के साथ साथ दिल्ली के बाहर भी खुल गई हैं। अनेक नई शाखाएं शुरू हुई हैं। नई शाखाओं के अध्यक्ष मंत्री को हम यहां पर आमंत्रित करेंगे। हम यहां पर आमंत्रित करेंगे विश्व जैन संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री संजय जी को कि वे यहां पर आकर संगठन के बारे में अपने विचार, अपने व्यू यहां पर देंगे। वर्धमान महावीर भगवान की, मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं जैन धर्म के संरक्षण हेतु कुछ और भी दूं। स्वपन अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का छन समर्पित, चाहता हूं जैन धर्म के संवर्धन हेतु कुछ और भी दूं। मान अर्पित, अर्पित रक्त का कणकण समर्पित, चाहता हूं जैन धर्म के प्रचार प्रसार हेतु कुछ और भी दूं। बंधुओं, आज विश्व जैन संगठन के वार्षिक अधिवेशन के अवसर पर संगठन द्वारा किए जा रहे कार्यों का विस्तार करते हुए अधिवेशन के मंच के माध्यम से मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसे कि पूर्व में हमारे महामंत्री जी ने भी और सभी अतिथियों ने भी काफी कुछ बताया, तो वो तो दोबारा से रिपीट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन इस मंच के माध्यम से जो वर्तमान में परिस्थितियां हैं, जो हमारे संस्था या संगठनों को करना चाहिए, मैं भी वही प्रयास कर रहा हूं और भी संस्थाएं शायद कर रही हूं। बंधुओं, जैसे गुजरात और राजस्थान में जैन धर्म का दुष्प्रचार किया जा रहा है, उसमें सक्रिय अनूप मंडल द्वारा आप देखते हैं कि कई बार ऐसा आता है कि उन्होंने ऐसा किया या इस तरह से किया, वहां पर ये प्रचार किया, ये काला जादू करते हैं, काले जादा टर्न करते हैं। मैं आज विश्व जैन संगठन के वार्षिक अधिवेशन के अवसर पर इन सभी, जो भी वो इस तरह की सामग्री प्रकाशित कर रहे हैं, जो भी ये वो बोल रहे हैं, मैं उसका पूर्ण रूप से खंडन करता हूं। विश्व जैन संगठन उसका खंडन करता है और मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वे अपनी भ्रांतियों को लिखित रूप में विश्व जैन संगठन को दें, जिसका लिखित रूप से जवाब दिया जाएगा। मैं ये बात आज इस मंच के माध्यम से पूरे देश में, पूरी जैन समाज को, पूरे अनूप मंडल को कहना चाहता हूं कि वो जो भी भ्रांतियां हैं लिखित रूप में विश्व जैन संगठन को दे, संगठन भी उसका प्रमाणिक रूप से जवाब देगा। इसके बाद यदि वो उससे सहमत नहीं है तो दिल्ली के अंदर एक पब्लिक प्लेस के अंदर लाइव कैमरों के सामने, जिसमें हनुमान भी होंगे, वहां पर एक परिचर्चा होगी। मैं ये मंच के माध्यम से आज मैं ये घोषणा करता हूं, इसके बाद भी अगर वो इस प्रकार का प्रचार करेंगे तो उसकी पूर्ण रूप से जिम्मेदारी होगी, वो हम बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। क्योंकि आप देखेंगे अभी पीछे वीडियो भी, आप सभी लोग परिचित हैं कि वीडियो में भी वो इस तरह के उन्होंने बोला है कि जैन जादू, काला जादू करते हैं, वो करते हैं, ये करते हैं। अरे जिस जैन धर्म में भाव से भी हिंसा को हिंसा माना गया है, तो वो लोग, हम लोग कहां किसी के लिए सोच सकते हैं ऐसा। हमारे हर पंच कर्नाटक में विश्व शांति का नाम लिख के हम पहले विश्व शांति महायज्ञ लिखते हैं और वो लोग कहते हैं कि हम ऐसा कार्य करते हैं, तो ये हमें बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है और भविष्य में बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके बाद एक और हमारे रामपाल जी जो आजकल बंद हैं जेल में, उनके अनुयायियों द्वारा एक चैनल के माध्यम से, उनके वीडियो क्लिप के माध्यम से जैन धर्म के बारे में दुष्प्रचार किया जा रहा है, मैं उसका पूर्ण रूप से आज इस मंच के माध्यम से खंडन करता हूं। और जो बिल्कुल दुखद है, असहनीय है, ये इसको बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जाएगा। मैं उनको निवेदन करता हूं कि वो अपनी कोई भी अगर भ्रांति है
उन्होंने भगवान महावीर के पूर्व काल के पूर्व जन्म के ये ऐसे वैसे वो जो आज प्रचारित किया जा रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से हमें बिल्कुल स्वीकार नहीं है। इसके अंदर वो एक चैनल का भी एक धार्मिक चैनल का भी उपयोग कर रहे हैं। मैं इस मंच के माध्यम से उस चैनल को भी आगाह करता हूँ, यदि उन्होंने भविष्य में बिना सोचे समझे बिना जानकारी लिए किसी धर्म के बारे में देखे, धर्म हमारा जैन धर्म तो अनेकांतवाद को मानता है, तेरा धर्म मेरा धर्म मेरा धर्म, हम लोग पूरे देश में हमने शाखा इसका जैन धर्म का प्रचार करते हैं, श्रवण बेलगोलों में किया, पूरे देश विदेश से वहां लोग आए, स्कॉलर्स आए, हम वर्ल्ड बुक फेयर में स्टॉल लगाते हैं, वहां जैन आते हैं, नॉन जैन आते हैं, 99% नॉन जैन आते हैं, तो वहां पर हमारी चर्चाएं होती है। आपको यकीन नहीं आएगा मुस्लिम लोग वहां बहुत सारे आते हैं और वो हमारे जैन दर्शन को पढ़ना चाहते हैं, कई सारे तो मेरे कई वर्षों से मेरे संपर्क में हैं, लेकिन कभी किसी ने हमारे जैन दर्शन या उसके सिद्धांत के बारे में कोई ऐसी बात नहीं कही। कुछ कई बार कुछ लोग दिगंबर साधु के बारे में, क्योंकि उनको पता नहीं होता है, लेकिन उनको अगर हम सामग्री दें उनको बताएं तो वो समझ सकते समझ जाते हैं कि दिगंबर साधु की कठिन कितनी कठिनचर्या होती है, श्वेतांबर साधु की कितनी कठिनचर्या होती है, स्थानकवादी साधु की कितनी कठिनचर्या होती है, वो किस तरह से पैदल चलते हैं, किस तरह से वो आहार लेते हैं, किस तरह से विहार करते हैं, किन किन परिस्थितियों में वो अपनी कठिनचर्या के साथ अपना जीवन यापन करते हैं, मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर होते हैं। लेकिन आप उनको कभी गोवा के अंदर कहते हैं कि इनके ऊपर FIR दर्ज हो जाएगी, कहीं आप कहते हैं कि इधर से नहीं जाएंगे, कभी आप कहते हैं उधर से नहीं जाएंगे, ये क्या है, हमारा देश आजाद है। अरे बंधु, इस देश में राजा चंद्रगुप्त जैन राजा ने यहाँ पर राज किया, राजा खारवेल ने राज किया 2200 साल पूर्व, और आज हमें अपने देश में ही अगर इस तरह की परिस्थिति सामना करना पड़ेगा तो वो बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। तो मैं आज इस अधिवेशन के अवसर पर ये दो तीन महत्वपूर्ण, तीसरा मैं एक और अभी मैं आपको बताना चाहूंगा। पिछले कुछ वर्षों में आपने सुना होगा कि ऐसा प्रचार किया जाता है विभिन्न मंचों के माध्यम से कि जैन समाज के लोग मांस के व्यापार से जुड़े हैं। मैं आज इस मंच के माध्यम से मैं उसका पूर्ण रूप से खंडन करता हूं और मैं उन्हें चेतावनी देता हूं, यदि उनके पास कोई नाम है ऐसा कोई जैन समाज का व्यक्ति लिप्त है तो वो उसको सार्वजनिक करें। आज इस मंच के माध्यम से मैं उन्हें नोटिस देता हूं, आज के बाद अगर पूरे देश में किसी भी डिबेट में किसी भी चैनल पर किसी भी स्तर के नेता ने किसी भी स्तर के राजनेता ने अगर कभी भी जैन समाज का या किसी व्यक्ति का नाम मांस के किसी व्यापार से जोड़ा या बोला तो विश्व जैन संगठन उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा, उसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि भगवान महावीर के अनुयायी कभी भी मांस का व्यापार कभी सोच भी नहीं सकते। लेकिन हो क्या रहा है कि पब्लिकली जब देखते हैं कि भाई इनका तो ऐसा अहिंसामय धर्म है, ये तो बहुत अच्छे हैं, तो उनको किसी तरह से बदनाम करने का प्रयास किया जाता है। मेरे पास ऐसी बहुत सारी वीडियोस हैं, मेरे पास ऐसे बहुत से चैनल्स पर डिबेट्स हैं जहां पर ऐसा बोला गया है, और मैंने इसके लिए पूरी इंक्वायरी की, मेरे पास पूरा डाटा है। अल कबीर में बोला जाता है कि एक जैन वहां पर डायरेक्टर है, मेरे पास पूरा डाटा मैंने निकाल लिया है, वहां पर कोई भी जैन किसी भी रूप में इस मांस के व्यापार से नहीं जुड़ा है। तो मैं ये तीन बात चेतावनी के रूप में संदेश के रूप में जैसा वो ठीक समझे वो रूप में मैं यहां से आज घोषित करता हूं। आज के बाद यदि हमारी जानकारी में या हमारे संज्ञान में कुछ ऐसा आया तो हम उस पर बहुत सख्ती के साथ कार्रवाई करेंगे। जैसा कि आपको पता ही है कि जिस प्रकार से हमने कार्य किए तो कुछ थोड़ा सा और विस्तार हमने कार्यों का किया है, जिसमें अभी हमने प्रयास किया कि भगवान महावीर का जन्म कल्याणक पूरे देश में एक दिन तिथि अनुसार मनाया जाए, एक दिन तिथि अनुसार मनाया जाए, इकट्ठा मनाया जाए, ताकि हम उसकी प्रभावना कर सकें। जिस प्रकार से आज छोटी छोटी जगहों में अलग अलग तिथियों में भगवान महावीर का जन्म कल्याणक और उनकी शोभा यात्राएं निकाली जाती है, लेकिन वास्तविक दिन कोई कार्यक्रम नहीं होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में सरकार इस छुट्टी को कैंसिल कर देगी। और दूसरी बात, आपने देखा होगा कि सभी धर्मों के जो लोग हैं अपने त्योहार को उसी दिन मनाते हैं और हमें भी पता होता है कि वो त्योहार है, लेकिन हम लोग अपनी सुविधा अनुसार हम अपने जन्म तिथियों भगवान तीर्थंकरों के कल्याणकों को मनाते हैं। अरे जो तिथि चली गई, आप अपने बच्चे का जन्म उसी दिन मनाते हैं तो भगवान अपने तीर्थंकरों का हम कल्याणक उस दिन क्यों नहीं मना सकते? वैसे भी हम 24 का तो मनाते नहीं है, तो कम से कम एक तीर्थंकर का एक जन्म कल्याणक एक दिन एक साथ तो मना लें। तो मेरा निवेदन है कि आप भी अपने स्तर पर इसको आगे फैलाएं। दूसरी बात है कि भगवान जैसे हमारे वर्तमान 24 में जो हमारे प्रथम तीर्थंकर हैं भगवान आदिनाथ ऋषभदेव, अंतिम तीर्थंकर का तो हमारा जन्म कल्याणक मनाया जाता है, लेकिन भगवान
जो हमारे जिन 24 में वर्तमान में प्रथम तीर्थंकर हैं, उनके बारे में पूरे देश में उनके जन्म कल्याणक या मोक्ष कल्याणक के विषय में कोई भी जानकारी नहीं मिलती है, जिसकी वजह से कुछ भ्रांतियां भी रहती हैं कि इनके भगवान महावीर ही संस्थापक हैं, उन्होंने धर्म चलाया। तो हमारे इस प्रयास में काफी लोग शामिल हैं, लखनऊ से भी बहुत से लोग शामिल हैं। तो हम प्रयास करेंगे कि आगे आने वाले समय में सरकार से कम हमारे एक प्रथम तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर का एक कल्याणक तो सार्वजनिक रूप से मनाने का छुट्टी करें या जो भी करें वो उनकी मर्जी है। दूसरी बात, जैसे हमने अभी जयंती हम लिखते हैं तो हमने प्रयास किया कि इसमें कल्याणक शब्द हम जो हमारे आगम अनुसार है हम कल्याणक मनाएं, कल्याणक लिखें और सरकार को बाध्य करें कि वो जन्म जयंती की तरह से कल्याणक जन्म जयंती के अनुसार ना लिखे, कल्याणक लिखे, क्योंकि महापुरुषों की होती है, हमारे तो तीर्थंकर थे। इस कड़ी में इस बार गुजरात सरकार ने अपनी छुट्टी में जन्म कल्याणक शब्द का प्रयोग किया है और इसमें हम कामयाब हुए। गुजरात, जिस प्रकार से गुजरात ने जन्म कल्याणक लिखा है, आने वाले समय में हम धीरे धीरे सभी स्टेट्स में उसका रेफरेंस देके जन्म कल्याणक शब्द कम से कम हम लिखवा सकते हैं। इसके बाद जैसे कि आप जानते हैं कि आज जिस प्रकार से जैन समाज की संख्या घटती जा रही है, तो हम लोग आपस में अगर मिले, एक जैन जो भी, सभी लोग अधिकतर व्यापारी हैं, कोई बंबई में व्यापार करता है, कोई श्रीनगर में व्यापार करता है, तो हमारा प्रयास है कि जैन फॉर जैन्स, जैन्स जैन के लिए, जैन जैन के लिए, वो कोई भी कार्य करता है तो वो आपस में जुड़े, क्योंकि हो सकता है कि वो व्यापार में कहीं ना कहीं दूसरे जैन का सहयोग ले, उनको सर्विस दे, नौकरी दे। तो जैन्स फॉर जैन्स, इसको हमें आगे बढ़ाना है ताकि प्राथमिकता दे। मैं तो कहता हूं 2-4% अगर हम सोचते हैं जैनी है तो 2 रुपए फालतू ले रहा है, दूसरे से 2 रुपए क्यों ना हम कम लें, लेकिन आप ये नहीं समझ रहे कि अपने समाज का पैसा वो जा कर रहा है, वो मांस व्यापार में जा सकता है, अरे कम से कम अपने जैन को पैसा सर्कुलेट करेंगे तो कम से कम कहीं ना कहीं सुरक्षित हाथों में जाएगा। इसके बाद अगर आप देखेंगे कि 2014 में जिस प्रकार से सभी संस्थाओं के सहयोग से हमारा भी सहयोग जो हम कर सके किया, जैन धर्म को भारत राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक घोषित किया गया। मैं एक लाइन में सिर्फ बताना चाहूंगा कि बहुत से लोगों को भ्रांति है कि हम लोग ओबीसी बन गए, हम पिछड़े में आ गए, ये हो गया, हमें फायदा मिल जाएगा। मैं आपको बताना चाहूंगा जो मेरा लक्ष्य था, जो हमारा लक्ष्य था, वो ये था कि 2006 में गुजरात सरकार एक धर्म अंतरण बिल लेकर आई थी जिसमें लिखा था कि जैनों को हिंदुओं को धर्म का हिस्सा माना जाएगा। उसको पढ़ के हमें बड़ी पीड़ा हुई, क्योंकि भारत का स्वतंत्र धर्म जैन धर्म है, अति प्राचीन है। तो जब देखा कि ये तो भाई हमारे तो धर्म का ही एक, ये उसका अवतार है, ये उसका अवतार है, तो एक मन में आया कि भाई ये तो ठीक होना चाहिए, तो हम उसमें सफल भी रहे। तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि क्योंकि हम राष्ट्रीय स्तर पर काउंटिंग में, सेंसस में हमारी संख्या कम है, हम अपने, और मैं आपको ये भी बता दूं कि भारत नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ये कानून है, जिस देश में अगर किसी धर्म के लोग कम संख्या में है तो वो एक इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय नियम है, उनको संरक्षण दिया जाता है। कोई हमें, हमारे पर कोई सरकार, कोई किसी देश की सरकार कोई एहसान नहीं कर रही है, ये अंतरराष्ट्रीय लॉज हैं। अगर उस देश में किसी धर्म को मानने वालों की संख्या कम है तो उनको वो संरक्षण दे, उनके धार्मिक संस्थानों को संरक्षण दे, उनके शिक्षण संस्थानों को संरक्षण दे। और इसका फायदा ये हुआ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ लोग ने इस तरह का प्रचार किया कि पैसा मिल जाएगा, ये हो जाएगा, कुछ बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे, सरकार को लूट लो, ऐसा कर लो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप में से किसी कोई परिचित या उसका कोई जानने वाला बहुत ही ज्यादा नीडी है तो वो केवल सरकार की जो वजीफों की सुविधा है वो ले, क्योंकि हम उन लोगों का कहीं ना कहीं हिस्सा काट रहे हैं जो लोग इसके हकदार हैं। एक बहुत छोटी राशि है, कोई बहुत बड़ी राशि नहीं है, इसको ऐसा हवा बना दिया गया है कि ये बहुत मोटी राशि मिलती है। हाँ, एक सुविधा जरूर मिलती है, आप बैंक से लोन ले सकते हैं 6% तक में, वह एक सुविधा ले सकते हैं। लेकिन हमारा जैन समाज, हमारा जो लक्ष्य था वो जैन धर्म को स्वतंत्र घोषित कराना था ताकि हम अपने तीर्थ क्षेत्रों को बचा सकें। इस कड़ी में कुंडलपुर में जो हमारा केस था, सुप्रीम कोर्ट ने अपने लास्ट के पैरे में साफ साफ लिखा है कि अब क्योंकि जैन अल्पसंख्यक हो चुके हैं तो उनके जो तीर्थ क्षेत्र हैं उनको संरक्षण मिलना चाहिए। ये मेरे पास ऑर्डर की कॉपी है, तो ये हमें बेनिफिट मिला है, हम अपने तीर्थों को बचा सकें। और आवश्यकता है, अगर आपको जरूरी है आप लीजिए सुविधा, लेकिन कम से कम इस अल्पसंख्यक के नाम पर जो बंदरवाट का एक वो दिखाया जाता है कि ये बंदरवाट हो रही है जी, सरकार 20 लाख दे रही है, 50 लाख दे रही है, वो सब लोन देती है। अगर आप विदेश पढ़ने जाते हैं तो वो लोन देती है और उस बच्चे को चुकाना होता है। इसके अलावा बहुत सारी संस्थाएं आपको फ्री में लोन पैसा दे सकती हैं। तो मेरा निवेदन है कि भ्रामक प्रचार से आप बचें।
एक बहुत जरूरी और एक विषय है, जैसे कि हमने धर्म तो स्वतंत्र हमारा घोषित हो गया, लेकिन आज भी हमारे हमारे हम लोगों के ऊपर जैन लॉज एप्लीकेबल नहीं है। जो जैन नियम थे, जो हमारे तीर्थंकर, जो हमारे आचार्यों ने हमें आगम में लिखे हैं, जो आपको शायद जानकारी हो कुछ लोगों को, भारत की आजादी से पहले जो ब्रिटिश कोर्ट थी वो जैन लॉज के हिसाब से, जैन साहब जैन लॉज के हिसाब से वो निर्णय करती थी। वो मेरे पास कई कई हजार ऐसे जजमेंट्स हैं, जो जैसे दत्तक पुत्र का है या विधवा का विवाह का है या और बहुत सारी दत्तक राशि का है, मेरे पास ऐसे बहुत सारे जजमेंट हैं जो ब्रिटिश कोर्ट जैन लॉज के हिसाब से निर्णय करती थी। जैसे इस्लाम में बहुत सारे मुस्लिम भाइयों के भी बहुत सारे अपने नियम हैं और भी है, शरीयत कानून है, लेकिन आज हमारे ऊपर हमारे धर्म हमारे आगम के अनुसार हमारे जो भी हमारा आगम कहता है वो कोई नियम लागू नहीं होता है। तो अब हमारा लक्ष्य है कि हम अपने जैन लॉज को इम्प्लीमेंट कराएं और सरकार से कहेगी भाई हमारे ग्रंथों अनुसार ये हमारे लॉज हैं। बंधुओं, जैसा कि आपको विदित है कि प्राचीन अति प्राचीन जैन मंदिरों की जो अवशेष हैं या प्राचीन अति प्राचीन प्रतिमाएं देश के विभिन्न भागों में आए दिन मिलती रहती हैं, या तो उनका स्वरूप बदल दिया जाता है या उनको लूट लिया जाता है या उनको इंटरनेट के माध्यम से बेच दिया जाता है, जो बहुत ही पीड़ा का विषय है। संगठन के माध्यम से पहले भी हमने बहुत सारे ऐसे कार्य किए, लेकिन आगे मैं चाहूंगा कि सभी सदस्य संज्ञान लें। केवल ये नहीं है कि संगठन ये कार्य कर रहा है तो हमें यही लकीर पे करना है। अगर कुछ चीज गलत हो रही है तो वो आप उसको संज्ञान में लेकर, जिस तरह से कोर संज्ञान लेती है, आप भी संज्ञान में लीजिए और संगठन के सभी लोगों को बताइए कि भाई ये गलत हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हमें लकीर का फकीर बन के काम करना है। हम वो कार्य करने चाहते हैं जहां पर किसी का ध्यान नहीं गया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई नहीं करता है, मैं कह रहा हूं किसी का ध्यान नहीं गया, हमें वो कार्य करने की प्रयास करना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज अधिवेशन के अवसर पर जो हमारे अतिथि समीक्षा के लिए विशेष समय दिया, मैं बहुत बहुत आभारी हूं सभी का और सभी सदस्यों का। आज गर्मी में, क्योंकि सुबह भी आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर आए थे, बहुत भीड़ थी, और हमारा सौभाग्य है कि मुनिश्री का में आज बहुत अच्छा सानिध्य रहा और बहुत ही अच्छा उनका मार्गदर्शन रहा। कहते हैं कि जहाँ ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, तो कुछ ऐसा ही हम संजय जैन जी के लिए भी कह सकते हैं कि जिन मुद्दों पर या जिन बातों पर हमारा ध्यान नहीं जाता और वो मुद्दे बहुत अहम होते हैं, अगर उन पॉइंट्स को उठाया जाए तो वाकई हम भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर हम किस दुनिया में रहते हैं, क्यों नहीं कभी इस बात पर हमारा ध्यान गया, यह काम ऐसे भी किया जा सकता था या इस कार्य को ऐसे भी सुलझाया जा सकता था। तो सचमुच आज हम कह सकते हैं कि संजय जैन जी की सोच, उनके कार्य करने का तरीका निश्चित रूप से अलग है और उनकी इस कार्य शैली को विस्तार देने के लिए, उनके कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए हम सब उनके साथ हैं। हम बहुत बहुत बधाई बलवीर नगर शाखा के सभी महिला सदस्यों को। आमंत्रित कर रहे हैं हम कैलाश नगर शाखा की अध्यक्ष श्रीमती कुसुम जैन, महामंत्री श्रीमती बबीता जैन, कोषाध्यक्ष श्रीमती नीलम जैन, कैलाश नगर शाखा अतिथिगण और विश्व जैन संगठन के सभी सदस्य, सभी को सादर जय जिनेंद्र। विश्व जैन संगठन जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, इसके अंतर्गत महिला शाखा जैन महिला संगठन का गठन किया गया है, उसके बारे में संक्षिप्त रूप से कुछ जानकारी दी गई है। इसका गठन साड़ी रैपिंग, हेयर स्टाइल, गिफ्ट पैकिंग, ब्यूटिशियन आदि लौकिक शिक्षा कुशल शिक्षिकाओं द्वारा प्रदान की जाती है। हर वर्ष दश लक्षण पर्व पर मंदिर जी में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन जैन महिला संगठन के द्वारा किया जाता है। समय समय पर धार्मिक चित्रकला, फैंसी ड्रेस जैसे व्यक्तित्व को उभारने वाले कार्यक्रम भी। और इनके बाद हम आमंत्रित कर रहे हैं यहाँ पर छोटा बाजार शाखा की महिलाओं को, अध्यक्ष श्रीमती चंदन जैन, महामंत्री श्रीमती सुधा जैन, कोषाध्यक्ष श्रीमती ममता जैन और कार्यकारिणी सदस्य भी साथ में आ जाएं।
सभी कार्यकारिणी सदस्य भी आ जाएं। विश्व जैन संगठन की बलवीर नगर की युवा शाखा के अध्यक्ष हिमांशु जैन, महामंत्री ऋषभ जैन और उनके कार्यकारिणी सदस्य आ जाएं। विश्व जैन संगठन की युवा शाखा बलवीर नगर, हिमांशु जैन अध्यक्ष, महामंत्री ऋषभ जैन और सभी कार्यकारिणी सदस्य आ जाएं। आमंत्रित कर रहे हैं हम यहाँ पर बिहारी कॉलोनी शाखा के सदस्यों को। अध्यक्ष मयंक जैन है, अध्यक्ष संजय जैन, मंत्री संजय जैन, कोषाध्यक्ष संजय जैन। वही आज विश्व जैन संगठन का कार्यक्रम है। विश्व जैन संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय जैन और सभी ने ऐसा लगता है अपना नाम संजय जैन रखा है। आमंत्रित किसी आवश्यक कार्य से उन्हें जाना पड़ा यहाँ से। और देखिए विश्व जैन संगठन की शाखाएं विश्व जैन संगठन के द्वारा सम्मान किया जा रहा है आज के दीप प्रज्वलनकर्ता श्री सुभाष जी जैन घी वालों का। श्री कमल जी जैन, जैन मंच के राष्ट्रीय संयोजक श्री कमल जी जैन, श्री अशोक जैन तरुण मित्र परिषद, श्री अशोक जैन तरुण मित्र परिषद, श्री अचल जैन बलवीर नगर, श्री अचल जैन बलवीर नगर, डॉक्टर अनेकांत जी किसी आवश्यक कार्य से उनको जाना पड़ा है कार्यक्रम के बीच में से। श्री सुभाष जी जैन घीवालों का हो गया। श्री सत्येंद्र जैन राष्ट्रीय संयोजक जैनम फाउंडेशन, श्री कमल जैन राष्ट्रीय संयोजक जैन मंच, श्री सुधीर जैन उपाध्यक्ष रामगली जैन मंदिर, श्री विपिन जैन अध्यक्ष जैन लाइफ। जैन मिलन से श्री सर्वेश जी हमारे बीच में उपस्थित हैं और कार्यक्रम के पश्चात आप सभी के लिए विश्व जैन संगठन परिवार की तरफ से भोजन की व्यवस्था की गई है। सभी लोग भोजन अवश्य ग्रहण करके जाएंगे। श्री रविंद्र जैन,
श्री रविंद्र जैन, अतिवीर टाइम्स से हमारे बीच उपस्थित हैं श्री रविंद्र जी जैन, विश्व जैन संगठन के द्वारा उनका सम्मान यहाँ पर किया जा रहा है। देखिए जो अतिथि होते हैं, हमारे देश में माना जाता है कि अतिथि देवो भव, और जब अतिथि गणों का स्वागत अभिनंदन यहाँ पर किया जा रहा है तो तालियां बजाना हमारा फर्ज बनता है। एक बार जोरदार तालियां हमारे सभी अतिथि नीरू जैन आप आ जाए और इनका सम्मान राष्ट्रीय संयोजिका विश्व जैन संगठन की रुचि जैन और महिलाएं आए और इनका सम्मान अवश्य करें, क्योंकि संचालन करना बहुत बड़ी बात है। वहां से यहाँ तक आना जो है ना, मंच पे बोलना, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है यहाँ पर आकर और इनका संचालन करना। और नीरू जैन को स्मृति चिन्ह के रूप में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय जी विशेष सम्मानित करेंगे। सभी से पुण्य अनुरोध है कि भोजन अवश्य ही ग्रहण करके जाएं। नीरू जी एक मिनट, आपका संजय जी विशेष सम्मान यहाँ पर जो है। देखिए इतना अच्छा कार्यक्रम आज विश्व जैन संगठन के द्वारा यहाँ पर आयोजित किया गया है। आप सभी ने अपने अनमोल समय में से कुछ पल कार्यक्रम के लिए निकाले। धन्यवाद ज्ञापन के लिए हम यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं विश्व जैन संगठन के उपाध्यक्ष श्री यश जैन जी को। विश्व जैन संगठन के वार्षिक अधिवेशन के 2018 के अवसर पर उपस्थित सभी अतिथिगणों एवं सदस्यों को मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि भविष्य में भी आप विश्व जैन संगठन को तन मन धन से सहयोग करेंगे और अपना मार्गदर्शन हमें देते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए यश जी ने यहाँ पर धन्यवाद का पत्र यहाँ पर प्रस्तुत किया और आप सभी के लिए कार्यक्रम के पश्चात वात्सल्य भोजन की व्यवस्था विश्व जैन संगठन के द्वारा की गई है। सभी लोग अवश्य ही भोजन ग्रहण करके जाएंगे। पुनः एक बार आप सभी का हार्दिक धन्यवाद, आभार।